गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमांश। अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर एक है, एक नहीं है, अलग अलग है। इनका प्रयोग भी अलग होता है और इनका अर्थ भी अलग होता है। अनुस्वार, ये जो शब्द आते हैं ये मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द हैं। चंद्रबिंदु हिंदी भाषा के शब्द होते हैं और पंचमाक्षर आप लोग जानते होंगे हिंदी भाषा के, या आ न और म, वर्णमाला ये है ना। अनुस्वार को हम इस प्रतीक चिन्ह द्वारा, चंद्रबिंदु को ऐसे और पंचमाक्षर को भी ऐसे निरूपित करते हैं, है ना। अनुस्वार का अर्थ होता है अन धन स्वर, अन धन स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार का मतलब होता है स्वर के बाद आने वाला, है ना। यह नासिक की ध्वनि है, कौन सी, नासिक, नाक के द्वारा। अनुनासिक पढ़ा था हम लोगों ने वर्ण में, याद है, अनुनासिक पढ़ा था हम लोगों ने। उसी तरह से नासिक की ध्वनि है, इसका जो उच्चारण होता है वो नाक के द्वारा होता है और इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में ना होकर के शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में होता है, है ना। और इसका जो लिपि चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, है ना, याद हो गया। आगे देखते हैं, तो अनुस्वार और पंचमाक्षर हमने देखा, इन दोनों को एक ही प्रकार से निरूपित किया जाता है, है ना। तो यह हमें समझने में काफी दिक्कत होती है कि यह शब्द जो है वो अनुस्वार का है, यह ये शब्द पंचमाक्षर का है, और पंचमाक्षर का है भी तो पंचमाक्षर पे किस घर का है, उसमें अं का प्रयोग हुआ है या या का प्रयोग हुआ है या आ का प्रयोग हुआ है या न का प्रयोग हुआ है या मा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पंचमाक्षर में पांच घर के लोग हैं, है ना। घर कौन कौन से हैं हमने पढ़ा था, वर्ग, प्रत्येक वर्ग होता है। अंतस्थ व्यंजन के कितने वर्ग थे, पांच वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग में पांच भाई थे, हमने पढ़ा था। मान लीजिए प्रत्येक वर्ग को हम एक घर मान लेते हैं, तो पहला घर किसका है, का है, इसमें पांच भाई कौन कौन से हैं, का खा गा घा अंगर, नंबर से का बड़ा है, उससे छोटा खा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी तरह से चा वर्ग में चा छा जा जा, टावर में टा ठा डा ढा, तावर में ता था दा धा ना, पावर में पा फा बा भा मा। इस तरह से इन पांचों घरों में पांच भाई थे और जो पांचवा भाई था ये अंगा या ना और मा, ये पांचों भाई एक तरीके से थे, गुण धर्म सभी के एक समान थे, इसलिए इन सबको सामूहिक रूप से अनुनासिक कहा गया, नासिक की ध्वनि। इन सबका उच्चारण भी नासिक से होता था, इसमें मां जो था, मां का उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से होता है, मां का उच्चारण ओष्ठ से होता था। और इसके बाद जो दो घर थे या और स्वा के, यानी इसको हम अंतस्थ व्यंजन, इसको उष्ण व्यंजन कहते थे, या रा ला व, इनके पास पांचवा भाई नहीं था। इसी तरह सा स स हा, इनके पास भी पांचवा भाई नहीं था, है ना, समझ गए। जो ये पांच प्रथम घर थे इन सभी के पास पांचवे भाई थे, और जो नीचे के दो घर थे उन लोगों के पास पांचवा भाई नहीं था,
है ना। अब हम अपने मूल रूप में आते हैं। तो इस जो प्रतीक चिन्ह है अनुस्वार का, इसका प्रयोग कहां होता है, चलिए लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में, हमने पहले बताया अनुस्वार किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और चंद्रबिंदु हिंदी भाषा का शब्द है ना। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अन की मात्रा के लिए, अन की मात्रा के लिए और पंचमाक्षर के लिए, हमने बताया यहां भी और यहां भी इस तरीके से, अन की मात्रा के लिए और पंचमाक्षर के लिए तथा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अन की मात्रा के लिए किया जाता है। संस्कृत में अन की मात्रा के लिए और पंचमाक्षर के लिए इसका प्रयोग, और तथा हिंदी में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अन की मात्रा के लिए किया जाता है। शिरोरेखा कौन सी है, ये जो हम रेखा बनाते हैं इसके ऊपर ये रेखा खींचते हैं, इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं, है ना। इसके ऊपर जो मात्राएं आती हैं उन मात्राओं के साथ हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले हम संस्कृत भाषा का देख लेते हैं, फिर हिंदी भाषा की ओर चलते हैं। संस्कृत भाषा में पहले इसका प्रयोग अन की मात्रा के लिए किया जाता है, और उसके बाद इसका प्रयोग पंचमाक्षरों के लिए किया जाता है। पंचमाक्षर के लिए कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई शब्द है कंगन, कंबल, है ना। अब इसमें ये प्रयोग तो हो गया अनुस्वार का, अब हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें पंचमाक्षर कौन सा है, या हमें का के बाद इसकी कौन सी ध्वनि उच्चारित करनी है। क्यों, पंचमाक्षर में पांच भैया हैं, और पांचों भैयों की ध्वनि अलग अलग होता है, नाम का है, आम की करना है, या की करना है, रा की करना है, ना की करना है, मा की करना है, कौन सी करना है कैसे हम जानेंगे, ये एक रहस्य है। और इस रहस्य को हटाने के लिए क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। कौन सा मंत्र है, ये मंत्र है, अनुस्वार के बाद वर्ण जो करे शब्द साकार, उसी वर्ण का पांचवा भाई करे शब्द विस्तार। तो इस अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है और उससे शब्द बनता है, उसी वर्ण का पांचवा भैया जो होगा वही उसका उच्चारण करेगा। जैसे हमने यहां देखा, ये है अनुस्वार, इसके बाद वर्ण क्या आया, ये वाला भैया आया, ये कौन सा है, गा है। अब इसका पांचवा भैया कौन सा है, गा का बड़ा भाई का, उससे छोटा खा, फिर गा, फिर धा, फिर अंग, पांचवा भाई क्या है, अंग है। तो यहां पर क्या आएगा, अंग आएगा, समझ गए, इस तरीके से। दूसरा लेते हैं सब, जैसे ये है चंद्रबिंदु ही अनुस्वार हुआ, इसके बाद वर्ण कौन सा है, बा, बा कहां है, चलिए आ जाते हैं इसमें है। अब इसका पांचवा भैया कौन है, ये है, पहला भैया, दूसरा भैया, तीसरा भैया, चौथा भैया और पांचवा भैया है। यहां पर क्या हो जाएगा, समझिए, जैसे कोई शब्द आ गया अंतर, हम कौन सी ध्वनि उच्चारण करेंगे, तुरंत मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र में क्या कहता है, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखेंगे कौन सा है, ये भैया है, ये भैया क्या लिखे हैं, ता, ता कहां है, यहां है, पहला भैया, दूसरा भैया, तीसरा भैया, चौथा भैया और पांचवा भैया, पांचवे भैया को हम यहां लिख देंगे, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये अनुस्वार के रूप से अपने रूप में आएंगे तो इनका जो ये रूप है वही रूप लिखा जाएगा, अर्ध रूप, पूर्ण रूप में नहीं लिखेंगे, अर्ध रूप, यानी इनके साथ में स्वर नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपने ना लिखा तो ऐसे लिख दिया, तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, ये इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें ना है और आ है, है ना, इसका अर्ध रूप ना, ऐसे अर्ध रूप में लिखते हैं, पूर्ण रूप में
नहीं लिखते हैं, वो अर्ध रूप में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर अनुस्वार के बाद इसका पूर्ण रूप हम लिख रहे हैं, इस अनुस्वार का उच्चारण जिस रूप में आया है उस रूप को हम यहां दर्शा रहे हैं, तो हमेशा अपने अर्ध रूप में ही आएगा, पूर्ण रूप में नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ में स्वर नहीं होता है। समझ गए? इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई और आ गया इस तरह से, खंभा लिख दिया गया, आपको उसे लिखना है, या आ गया संबंध, बहुत ज्यादा पूछा जाता है संबंध। अब देखिए इसमें दो अनुस्वार आ गए, हमें कुछ नहीं करना है, अपना मंत्र पढ़ना है और अनुस्वार के बाद वाला वर्ण देखना है। मंत्र पढ़ा हमने, क्या लिखा मंत्र में, अनुस्वार के बाद वर्ण, इसके बाद जो वर्ण आया सा हमने पहले लिख लिया, बाद वर्ण क्या आया, बा आया। बा कहाँ है, किस भाग में है, बा का पांचवा भैया कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कौन भैया है पांचवा, माँ, हमने इसमें माँ लिख दिया है ना, फिर बा लिख दिया, फिर ये वाला आया, इसके बाद आगे क्या लिखा है, धा, धा कहाँ है, यहाँ है, इसका पांचवा भैया कौन है, ये ना, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, माँ लिख दिया और धा लिख दिया, क्या बन गया, समझ गए। हमेशा ध्यान रखना अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसका पांचवा भाई ही उस अनुस्वार का मतलब होता है, समझ गए। चलिए अब इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम यह है कि यदि अनुस्वार के बाद जो भाई आता है उसका पांचवा भैया ना हो तो, जैसे अंतस्थ और उष्म व्यंजन, याद है अंतस्थ कौन से है, हमने वर्णमाला में बताया था अंतस्थ व्यंजन या रा ला और वा, ये सब अपने हाफ रूप में है, जब तक इनमें आ स्वर नहीं जुड़ता तब तक पूर्ण रूप में नहीं होते हैं, या रा ला वा, उष्ण व्यंजन सा 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 और हा, है ना। तो अंतस्थ और उष्ण व्यंजन हमने यहां देखा, इनके पास पहला भैया, दूसरा भैया, तीसरा भैया, चौथा भैया, पांचवा भैया नहीं है, है ना, एक दो तीन चार और पांचवा भैया नहीं है, इनके साथ में पांचवा भैया नहीं है। तो जब पांचवा भैया नहीं है तो यह इस रूप को छोड़कर उस रूप में आएंगे, आएंगे क्या, नहीं आएंगे, इनके पास रूप है ही नहीं, उस रूप में कहां से आएंगे। जैसे हमारे पास कोई शब्द आ गया हंस, अब देखिए इसको हमें देखना है क्या कौन सा उच्चारण होगा, क्या होगा, है ना, तो देखते हैं कहां है ये, कौन किस भाग का है, ये हमने मंत्र पढ़ा तुरंत, इसके बाद वाला वर्ण देखा क्या है, सा है, सामने देखा कहाँ है, यहाँ है। अब पांचवा भैया है इसका, नहीं है, जब पांचवा भैया नहीं है तो ये उसी रूप में लिख दिए जाएंगे, समझ गए। जब पांचवा भैया है ही नहीं तो इनका कोई प्रयोग इसका नहीं होगा, लिखना चाहेंगे लिख लें, जो जो शब्द अंत, जो शब्द अंतस्थ और उष्म व्यंजन से, जो शब्द अंतस्थ और उष्म व्यंजन से बने होते हैं उनमें पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अब एक और, यदि किसी शब्द के अंत में, तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में अनुस्वार आ जाए, जैसे स्वयं, अहम, है ना, इस तरह से आ जाए, तब उसमें पंचमाक्षर जो होता है वो मा ही होता है, इसको हम लिखेंगे स्वयं आ, हम, है ना, निर्बाध रूप से, तीसरा नियम,
यदि किसी शब्द में अंत में यानी उसके बाद तो कोई वर्ण है नहीं, अगर इसके बाद वर्ण होता तो हम अपना मंत्र पढ़ते, जब वर्ण है नहीं तो हम कुछ जान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, उस स्थिति में केवल माँ ही इनका साथ देगा और कोई ही पंचमाक्षर इनका साथ नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, शब्द के अंत में या अनुस्वार आता है तो उसके अंत में माँ ही अपने अर्ध स्वरूप में इसका साथ देगा। समझ गए? अब हिंदी रूप में चौथा नियम, हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है? सिरो रेखा से ऊपर वाली मात्राएं। कौन कौन सी ऊपर वाली मात्राएं हैं? आप मात्रा लिख लीजिए, सिरो रेखा कौन सी है? ये सिरो रेखा होते हैं मात्रा, ये कहां है मात्रा? सिरो रेखा से नीचे है, फिर ये सिरो रेखा से ऊपर, सिरो रेखा से ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे, ए आए ओ, ये जितनी मात्राएं हैं ये कहां है? सिरो रेखा से ऊपर है, और ये मात्राएं नीचे जो है ये सिरो रेखा से नीचे, ये हमारी सिरो रेखा है। तो जो ऊपर वाली मात्राएं हैं उनमें हम अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में करते हैं, ना कि चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाए आपके पास शब्द मैं, अब बहुत से लोग इस मैं को ऐसे लिख देते हैं ऐसे कि भाई ये हिंदी का शब्द है हम चंद्रबिंदु लगाएंगे, लेकिन ये प्रमाणित रूप इसका नहीं है, हमारे हिंदी भाषा निदेशालय ने इसको मान्यता नहीं दी है। अगर हम इम्तिहान में ऐसा लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा, है ना? ये सही रूप है, आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। जैसे शब्द आपके पास आ जाए क्यों, है ना, तो हम यहां पर इसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो मात्रा है ये कहां है? ये सिरो रेखा से ऊपर है, अगर सिरो रेखा से नीचे होती तो हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते, है ना। अब ये हो गया अनुस्वार का, अब हम आते हैं चंद्रबिंदु की ओर। अनुस्वार के नियम के बाद चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है चंद्रबिंदु, चंद्रमा चांद की तरह बिंदु बना के हमने लगा दिया। इसका प्रयोग कहां होता है? हिंदी में होता है, है ना, हिंदी में होता है। लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, लिखिए चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी के शब्दों में अन्न की मात्रा के लिए सिरो रेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ किया जाता है। सिरो रेखा से नीचे वाली जो मात्राएं हैं उनके साथ में हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, अर्थात यदि सिरो रेखा से ऊपर मात्रा है तो अनुस्वार का प्रयोग, और यदि सिरो रेखा से नीचे मात्रा है तो उस स्थिति में चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कोई शब्द आ जाए वहां, तो ये क्या हुआ? चंद्रबिंदु, ये जो मात्रा लगी है कहां है हमारी? सिरो रेखा से नीचे है, है ना। शब्द आ जाए कहां, ये सब ये मात्रा हमारी कहां है? सिरो रेखा से नीचे है, इसलिए इसका हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। इसमें यदि हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया तो ये गलत माना जाएगा, है ना। तो अगर सिरो रेखा से नीचे मात्रा आती है तो हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे, और वही अगर सिरो रेखा से ऊपर मात्रा आ जाती जैसे वहां था और इसी को हमने वही लिख दिया तो ये मात्रा कहां आई? ये मात्रा आ गई सिरो रेखा से ऊपर, तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर वही लिखा है तो हम क्या करेंगे? चंद्रबिंदु लगाएंगे? नहीं, क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे, है ना, ये सही रूप होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि सिरो रेखा से नीचे मात्रा आती है तो चंद्रबिंदु, और सिरो रेखा से ऊपर मात्रा आती है तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे चांद लिख दिया गया, आंगन लिख दिया गया, कोई भी शब्द आ सकता है, आप उसका ध्यान रखिएगा, है ना।
तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर। अनुस्वार और पंचमाक्षर को एक ही प्रकार के इस प्रतीक के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। किसी भी शब्द में अनुस्वार और पंचमाक्षर का संयुक्त रूप हो सकता है। और चंद्रबिंदु में चंद्रमा के समान, ये चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अनुस्वार में यदि कहीं किसी भाषा में किसी शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण के अनुसार ही हम उस अनुस्वार के रूप को प्रदर्शित करेंगे, है ना, और प्रदर्शित करेंगे। और दूसरी चीज, यदि उस अनुस्वार के बाद वाले वर्ण में पांचवा भाग नहीं है तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिख देंगे, है ना। और चंद्रबिंदु यदि आ रहा है तो शिरोरेखा से ऊपर अगर शब्द लिखा हुआ है, मात्रा उसमें जो है वो शिरोरेखा से ऊपर मात्रा आ रही है तो अनुस्वार का प्रयोग, और अगर शिरोरेखा से नीचे मात्रा आ रही है तो हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों का आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए और ये मंत्र याद करिए, जिससे कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के इस अध्याय में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।